हाँ तो गाइस यार, इस स्केटबोर्ड के अंदर मैं इस वाले गेयरबॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। इस गेयरबॉक्स से यार हमने ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हो। पहला तो यार हमने इससे बनाया था एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, और दूसरा मैंने इसको यूज़ किया था दोस्तों एक वॉल माउंटेड फैन के अंदर, जो मैंने रिसेंटली डाली थी चैनल पर। आप उन दोनों वीडियोज़ में जाके देख सकते हो इसको किस तरह बनाना है फुल डिटेल के अंदर। तो यार अभी देख लेते हैं इसको लगाना किस तरह से। तो यार इसको लगाना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो होल कर दिए, और सेम दो होल मैंने इस वाले पाइप में भी किए जो मैंने यहाँ पर वेल्ड किया था। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक टाइमिंग चेन भी लगा दी है। बस हमें सिंपली से चेन चढ़ानी है, और जो ये होल है यहाँ पर हमें सेल्फ टैपिंग स्क्रू लगा के इसको कस देना है, बस सिंपल सा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गेयरबॉक्स को लगा दिया है, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिट हो गया है। अब इसके अंदर फिट करने हैं हमें बैटरी और कंट्रोलर को, वो दोस्तों मैं नीचे की साइड लगाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें कर लेते हैं कलर। हे गाइस, तो यार यहाँ पर अपने स्केटबोर्ड के अंदर कलर हो चुका है, और आप देख सकते हो यार कलर करने के बाद ये काफ़ी मस्त दिख रही है। अब बस इसके अंदर फिट करने हैं हमको इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यार ये रहे अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके अंदर लगने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये रही हमारी लिथियम आयरन बैटरी, इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 24 वोल्ट 5000 mAh की। और ये रहा इसका कंट्रोलर, ये दोस्तों 24 वोल्ट 500 वाट का कंट्रोलर है। अब इसकी वायरिंग यार बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब ये जो बैटरी की पिन है और ये जो पिन है पॉजिटिव और नेगेटिव, बस हमें इससे कनेक्ट कर देनी है। और ये वाली जो पिन है यहाँ पर दोस्तों, जो मोटर के दो वायर्स हैं ना, वो हमें इसमें डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। अब उसके बाद जो ये नेवी ब्लू और पिंक वायर है, यहाँ पर दोस्तों हमें एक स्विच लगाना है। आप कोई सा भी सिंपल सा स्विच लगा सकते हो ताकि हम स्केटबोर्ड को ऑन ऑफ कर सकें। और जो ये तीन वायर्स हैं ये दोस्तों थ्रॉटल के हैं, और ये रहा हमारा थ्रॉटल। इसके अंदर दोस्तों ये रहे तीन वायर्स, बस हमें कलर मैच करके इसके अंदर लगाना है। दैट्स इट गाइस, बस इतनी सी वायरिंग होगी हमारे स्केटबोर्ड के अंदर। तो यार मैं फटाफट से ना इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम इसको लेके चलते हैं टेस्टिंग पर। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर अपना स्केटबोर्ड हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। इसकी वायरिंग वगैरह मैंने कर दी है। इसका जो थ्रॉटल का वायर है यहाँ पर मैंने होल करके मैं ऊपर लेके आ गया हूँ। दोस्तों बाद में ना मैंने इसमें दो चेंजेस किए हैं। पहला तो ये है कि इसका जो गेयर बॉक्स है उसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पहले यार काफ़ी बड़ा था। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मैंने दो स्क्रूज लगाए थे ना इसको जोड़ने के लिए, वो मैंने हटा के यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया। आप देख सकते हो स्क्रू की वजह से दोस्तों वो ना बार बार ढीले हो रहे थे, और अपनी जो चेन है वो बार बार लूज़ हो रही थी। लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। तो चलिए यार फटाफट से लेके चलते हैं इसको टेस्टिंग पर।